ये कौशल रथ जो ट्रेनिंग प्रधानमंत्री मोदी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग बहुत बढ़िया प्रयास भी मेकानिक तीन दिन ट्रेनिंग देले परीक्षा भी नेले आउ BS6 उपर जो ज्ञान नथिला हमर बहुत कम थिला आमे शिक्षा पाइलु से चंदन बाबू जो शिक्षा देले बहुत बढ़िया देले आउ आमे एटी डिपेंड करथु छोटो छोटो शोरूम उपर BS6 पई आउ सेटा भी दूर हो जिवो सिखिला परे आउ बहुत बढ़िया सिस्टम थिला आउ प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद धर्मेन्द्र प्रधान भी धन्यवाद शिक्षा कौशलटा बढ़िया पई आउ आउ गोटे अनुरोध सरकार को कि यदि मशीन टी उपलब्ध कराते आम मेकानिक भाई तरफ बहुत बढ़िया भी होता बहुत बढ़िया सिस्टम ऑल इंडिया पे मोर मोदी सरकार जो योजना टी बहुत माने ग्रहणीय बहुत भल लगला मोर चंदन सर आसते ट्रेनिंग देवाई BS6 रो बहुत भल लगला समस्ते कर्मी भी बहुत भल अच्छे आम बहुत किसी नुआ जिनस शिखिलु भविष्य में आम किसी असुविधा हम ना बोली भावुँ मोदी सरकार जो सिस्टम टी कर लोकाल आसिक आम पाखे आसिक बहुत भल लगला बहुत प्रशंसा योग्य बहुत तरफ आम मैंने अच्छे अनु सरकार आम कि करूँ गोटे तो मोदी सरकार को बहुत अजस्र धन्यवाद मुझे जनाऊँ जे से आम विषय चिंता कले आम समस्त मेकानिक भाई मानक आज आम देख लु आम पाखे बहुत खुशी लगला जो ये गोटे स्किलटे मैंने कर इंडिया तरफ गवर्नमेंट तरफ मोदी सरकार को अजस्र धन्यवाद से आम मेकानिक मान कि भाविले आग को भविष्य पर भी आमपाई गोटे गोटे ट्रेनिंग ये कले बहुत भल लगला ये प्रयास आम भी आभारी अच्छू जो मोदी सरकार आमपाई एत मानते भल गोटे स्कीम करमकूँ ट्रेनिंग दे जो विषय आम भी जान नु ता विषय भी आम कि जानलु आ बहुत किसी ज्ञान भी पाइलु जो वेहिकल विषय आम मैंने जान नु ज्ञान भी नाला ता विषय भी आम कि ज्ञान भी अर्जन कलु कौ जिन केमी कौन कराए केमी खोला जाए केमी कराए आग को केमी कम कर जेनेसन केमी आसवे आ मेकानिक को केमी आग को बढ़ा जा मोदी सरकार को बहुत भल प्रयास इनशाला आम सरकार तरफ कौशल रथ मध्यम आम मिस्त्री मान को ट्रेनिंग दि जाऊला 4 दिन प्रोग्राम है प्रथम दिन में टूल्स और गाड़ी विषय सब जानलु द्वितीय दिन में BS6 विषय सब जानलु सेंसर कौन केमी लगी कौन असुविधा हेल्ले कौन प्रोब्लेम हम से सब विषय जानलु तृतीय दिन में बैटरी गाड़ी विषय जानलु आज थी लास्ट दिन आज थी एग्जाम दिवस एग्जाम देलु एथिपाय सरकार को धन्यवाद कि 4 दिन का ये प्रोग्राम था ट्रेनिंग था आज तो लास्ट दिन है असेसमेंट हुआ सारे लोग बहुत खुश है ये ट्रेनिंग से ये ट्रेनिंग का मकसद है सरकार हमसे चाहती है कि कम से कम 2030 तक 80% हम लोग इलेक्ट्रिकल गाड़ी पे कमांड कर लें सेंसर वाले गाड़ी पे कमांड कर लें ताकि हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो हमारा एक्सीडेंटल कंट्रोल हो अभी महानगरों में देखा जाए जैसे दिल्ली हो गया पुणे हो गया मुंबई साइड हो गया आगरा हो गया वहाँ हमने ट्रेनिंग दिया तो वहाँ हमने देखा ई मोबिलिटी जोन लागू है वहाँ मतलब ये है कि जो भी आपका सेंसर वाली गाड़ी रहेगी BS6 गाड़ी रहेगी इलेक्ट्रिकल गाड़ी रहेगी उसी गाड़ी का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा अन्यथा पुराने गाड़ी का नहीं मिलेगा तो इससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा प्रदूषण भी कंट्रोल हो रहा है हमारा एक्सीडेंट भी कंट्रोल हो रहा है और जो साल में हम लोग 35 से 36 हज़ार करोड़ डीजल और पेट्रोल पे पैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेशी लोग हमसे कमा के लेके जाते हैं वो भी हमारा धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा ट्रेनिंग का ये सबसे बड़ा हमें मुनाफा मिलेगा और जो भी भारत में हमारे लोग वाहन का इन्वेस्ट वाहन रखते हैं 2 व्हीलर रखते हैं 3 व्हीलर रखते हैं या फिर 4 व्हीलर रखते हैं तो डीजल पेट्रोल पे उनकी बचत हो जाएगी कम कॉस्ट में गाड़ी चलेगी कम कॉस्ट में बाइक चलेगी और हमें जेब पे असर नहीं पड़ेगा। अगर सिंपल में हम लेते हैं तो एक गाड़ी अगर लेते हैं केवल ऑफिस जाते हैं तो 3,000 के लगभग लगभग पेट्रोल खर्चा होता है वही अगर हम इलेक्ट्रिकल गाड़ी रखते हैं तो वहाँ मैक्सिमम 700 से 750 रुपये में हमारा मंथली निकल जाता है। तो ये सारा बेनिफिट ट्रेनिंग करने से हमें मैकेनिक को तैयार करने से ज़रूर फ़ायदा मिलेगी और मिल भी रहा है। ट्रेनिंग के बाद इन लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा टूल किट्स भी मिलेगा। अगर कोई मैकेनिक चाहते हैं कोई टेक्नीशियन चाहते हैं कि हम एक अच्छा सा वर्कशॉप खोलें तो उसके लिए सरकार मुद्रा लोन भी दे रही है आराम से ये लोग अपना वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। ये लोग के लिए एक साल का इंश्योरेंस भी सरकार करके दे रही है इसलिए ये लोग काफ़ी खुश है। ये सारे बेनिफिट से लेकर के ये लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इनके तरफ से हमारे तरफ से पूरे भारतवासी के तरफ से हमारे स्किल मिनिस्टर को हमारे PM को जो भी हमारे ये कार्यक्रम चला रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई हो शुक्रिया।
जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।